भोपाल लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा ने 5 लाख से अधिक वोटों से की जीत दर्ज। राजधानी भोपाल में आज भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा 5 लाख वोट से विजय घोषित होने के बाद जश्न का माहौल बीजेपी कार्यालय में मनाते हुए जनता को बधाई संदेश दिया। भोपाल लोकसभा के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटों से जीत वाले बने सांसद आलोक शर्मा का कहना है कि भोपाल का नाम भोजपाल होगा। भोपाल से मुकेश सिंह की रिपोर्ट। जी भाई साहब, रोल नीचे तो करो, थोड़ा आईडी नीचे यार, ऐसे करो फिर से रोल। ठीक है भाई जी। सर्वप्रथम मैं भोपाल की जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लगातार पिछले 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भोपाल से सांसद बनाकर भोपाल की जनता दिल्ली पहुंचा रही है। मैं भोपाल का बेटा हूँ, भोपाल की जनता ने मुझे 2 बार पार्षद के रूप में आशीर्वाद दिया, भोपाल की जनता ने मुझे महापौर के रूप में आशीर्वाद दिया, आज भोपाल की जनता जनार्दन मुझे सांसद के रूप में दिल्ली पहुंचाकर जो भोपाल की जनता जनार्दन ने अपना लाड़ दिया है, अपना प्यार दिया है, अपना दुलार दिया है, अपना स्नेह दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं भोपाल की जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज भोपाल में जो प्रचंड जीत हुई है इसका श्रेय मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन को देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को देता हूँ जिन्होंने रात दिन परिश्रम करके भोपाल के अंदर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। भोपाल को बहुत नजदीक से जानते हैं आप, तो भोपाल के लिए अब क्या करने की मंशा है? बहुत कुछ किया है लेकिन अब और सांसद बनने के बाद देखिए, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भोपाल कैसा हो, भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो, इसके लिए विकास का एक रोड मैप हमने बनाया है। वो विकास का रोड मैप मैं बहुत ही जल्दी मीडिया के माध्यम से समाज में लाऊंगा और आपको सबको बताऊंगा और समय सीमा के अंदर भोपाल का विकास हम लोग करेंगे। भोपाल की जनता की मांग अगर आती है कि भोजपाल, भोपाल का नाम भोजपाल किया जाए, उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे।